नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं राइटर्स क्रैम, जिसे हम हैंड डिस्टोनिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें हाथ में स्टिफनेस हो जाती है, जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती है, उंगलियों में बहुत ज़्यादा भारीपन चुभन ऐसा महसूस होता है, और ये जो कलाई वाला पोर्शन है ये बहुत हार्ड हो गया होता है। ऐसे ही एल्बो के पास बहुत मसल्स स्टिफ हो जाती हैं। ये ब्रेन से होने वाली दिक्कत है, इसमें ब्रेन से जो कमांड आ रही होती है वो प्रॉपर नहीं आ रही होती है, जिसके कारण से मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, और कई बार व्यक्ति जब लिखना चाहता है तो लिख नहीं पाता, उसकी राइटिंग बहुत खराब हो जाती है। कोई सामान पकड़ना चाहता है, कोई मान लीजिए भगोना पकड़ लिया उसने तो वो छूट जाना है, पानी पीना चाहता है तो ग्लास छूट सकता है, ग्लास नहीं पकड़ा जाने वाला। अगर बच्चा है वो लिख रहा है तो उसकी राइटिंग इतनी ज़्यादा खराब होती है कि समझ में नहीं आती। कोई व्यक्ति चेक साइन करना चाहता है तो चेक साइन नहीं कर पाता, कई बार तो उसके साइन कारण से चेक बाउंस भी हो गया है, ऐसा मरीज आकर बताते हैं। तो इस प्रकार की ये समस्या है। अगर ये किसी को समस्या है तो आज मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट ऐसे लोगों को सिखाने वाला हूँ, जिससे आप ये पॉइंट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपको राइटर्स क्रैम की समस्या है, डिस्टोनिया की समस्या है, ये आपकी काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हम जो भी वीडियो आपके लिए लाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं कौन से हैं वो महत्वपूर्ण पॉइंट। थोड़ा सा पाउडर लेना है, ये कान के नीचे देखेंगे, यहाँ नर्व आ रही होती है, यहाँ लगाना है इस प्रकार से, ऐसे ही इस साइड दोनों साइड में लगाना है। यहाँ पर देखेंगे ये जो नर्व आ रही होती है, और यहाँ पर हमें देखेंगे कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 टाइम्स हमें करना है। पहले लेफ्ट साइड, फिर उसके बाद हमें करना है राइट साइड। तरीका देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यह हमें पहले लेफ्ट साइड 30 टाइम्स किया, फिर राइट साइड 30 टाइम्स किया, फिर देखेंगे इधर, ये भी हमने यहाँ किया। अभी वाला पॉइंट हमें यहाँ पर करना है, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा पाउडर लगाएंगे, थोड़ा सा पाउडर लेना है हमने। ये देखेंगे यहाँ पे, ये जो हमारी बालों की कटिंग होती है, इस प्रकार से थोड़ा सा लगाना है बस इधर, और थोड़ा सा लगाना है हमको इधर। अभी तरीका वही जैसे सिखाया, अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, केवल 8 बार काउंट करना है। लेफ्ट साइड पहले किया फिर राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर पेशेंट को नीचे लेटने के लिए कहना है, आप लेट जाओ नीचे, आप लेट, सीधा लेटना है, उल्टा पेट के बल, पेट के बल लेटना है इस प्रकार से। और देखेंगे ये वाला जो एरिया है, ये लगभग ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हमें प्रेशर देना है। ये जो स्पाइन है, एक हाथ हमें स्पाइन के इधर रखना है, दूसरा हमें यहाँ रखना है, स्पाइन बीच में है, इस प्रकार से हाथ मिलाने, और देखेंगे यहाँ दबाना, छोड़ना, यहाँ दबाया, थोड़ा सा प्रेशर देना है, 2, फिर यहाँ पे दबाया, 3, ये दबाया, 4, फिर ये दबाया, 5, और ये दबाया, 6 बार आपको ये दबाना है। दोस्तों, अभी आपने देखा राइटर्स क्रैम के लिए एक न्यूरोथेरेपी का छोटा सा ट्रीटमेंट, जिसे हम हैंड डिस्टोनिया भी बोलते हैं। जैसे मैंने बताया, इसमें ब्रेन का जो फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, उसके कारण से मसल्स में स्टिफनेस आ गई है, जिसके कारण से आपको लिखने में दिक्कत होती है, आप कोई सामान नहीं उठा पाते, आप कोई काम नहीं कर पाते। अगर आप ये ट्रीटमेंट नियमित रूप से कुछ दिन लगातार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको फर्स्ट डे से ही चेंजेज आने शुरू हो जाएंगे, आप ठीक से लिखने लगेंगे, आपको जो सामान उठाने में कठिनाई हो रही है वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी, और आपकी जो मसल्स स्टिफ हो रही हैं,
आपको जो पेन होता है, आपको जो हैवीनेस होता है, उसके कारण से जो आपको परेशानी होती है, वो कुछ ही दिन के उपचार से पूरी तरह ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, आप जो भी दवाइयां ले रहे हैं वो एकदम ना छोड़ें, क्योंकि कई बार हो सकता है कि दिक्कत ज्यादा है तो ट्रीटमेंट को करने में और उसके बाद उसके रिजल्ट आने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि दवाई आप ज्यादा लंबे समय से ले रहे हैं। अगर दवाई अचानक छोड़ें तो ऐसा आपको नहीं करना, धीरे धीरे जैसे इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाए तो फिर आप डॉक्टर की सलाह पे बात करके उनको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है, और आपको जो राइटर्स क्रैम्प की समस्या है, हैंड डिस्टोनिया की प्रॉब्लम है, उसमें आपको जल्दी ही आराम आएगा।